मामला उत्तराखंड गदरपुर के दिनेशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। डॉक्टरों की लापरवाही से एक नवजात शिशु की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। तिलपुरी नंबर 2 निवासी महिला ने अपने पुत्र वधु को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिनेशपुर में डिलीवरी के लिए एडमिट कराया। देर रात्रि डॉक्टर द्वारा महिला की डिलीवरी कर दी गई। महिला ने बच्चों को जन्म दिया। जन्म के समय बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ था। जन्म के 8 घंटे बाद बच्चों की मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि सुबह बच्चे को हिचकियां आ रही थी, ये देख परिजन डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के अस्पताल में ना होने के चलते वहां बैठी महिला को बच्चों के बारे में बताया तो उक्त महिला ने कहा कि ये तो नॉर्मल बात है, बच्चों को हिचकियां आती हैं। परिजनों के बार बार गुहार लगाने के बाद भी उक्त महिला समय से बच्चे को देखने नहीं पहुंची। इसके उपरांत बच्चों का शरीर नीला पड़ने लगा व बच्चे की मृत्यु हो गई। देखिए, आज सूचना मिली थी कि कल जो नवजात यहाँ भर्ती हुआ था हॉस्पिटल में, आज सुबह उसकी डेथ हो गई है। तो इनका कहना है कि कल ही डिलीवरी हुई 6:45 पर और सुबह उसकी अज्ञात कारणों से मृत्यु हो गई है। तो ये अस्पताल प्रशासन पर थोड़ा संदेह कर रहे हैं, इस वजह से पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा चुकी है। अब जो आगे कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी, और चूँकि ये मेडिकल नेग्लिजेंसी का मामला है, आगे जाँच मेडिकल विभाग को भेज दी जाएगी। थैंक यू। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।